हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिटानिया कंपनी में जॉब कैसे करें, कहाँ पे वैकेंसी है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जॉब आपको आपके घर पे नहीं मिलेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, शहर चेंज करना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना पड़ेगा जॉब के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिटानिया कंपनी, पहले आप जान लें कि ब्रिटानिया कोई साधारण कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। बिकॉज बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, बहुत लोगों को पता है कि ब्रिटानिया एक बस बिस्किट की कंपनी है, ब्रेड की कंपनी है, बट ये टॉप लेवल, इसके जो ग्रुप ऑफ ब्रिटानिया इज ए ग्रुप ऑफ कंपनी, मैं आपको बताता हूँ, और ये वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है। तो चलिए, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे डायरेक्ट रिज्यूम देना है एचआर को, और कैसे जानकारी लेना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप जान लें कि ब्रिटानिया एक पब्लिक कंपनी है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है, वर्ल्ड की नामी कंपनी है, वर्ल्ड में फेमस कंपनी है। इसके साथ साथ इसका बेकरी प्रोडक्ट आते हैं, बिस्किट आते हैं, ब्रेड आते हैं, केक आते हैं, रस्क आते हैं, एंड डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। आज के डेट में रेवेन्यू की बात करें तो फ्रेंड्स, ये रेवेन्यू इसका है 11,778.95 करोड़। ये 2020 तक का जो फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, 21 का भी नहीं हुआ, 21 का होगा तो बता दूंगा आपको। तो US डॉलर में $190 मिलियन का नेट इनकम है इस कंपनी का। तो सोच सकते हैं कंपनी कितनी बड़ी होगी, और इस कंपनी में जॉब लगने का मतलब आपकी लाइफ तो फुल सेटल हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने बोला था कि ब्रिटानिया एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। अभी हमारा जो गो जो फ्लाइट है गो, ये ब्रिटानिया का ही एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। तो चलिए, इसके ग्रुप ऑफ कंपनी में कौन कौन से आते हैं, पहले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा जॉब के बारे में। तो आप देख लीजिए कि ब्रिटानिया हो गया, गो फर्स्ट हो गया, बॉम्बे बर्मा हो गया, बॉम्बे रियल्टी हो गया, वाइटी हो गया, एनपीएल हो गया, बॉम्बे डाइनिंग, ये डाइनिंग जो कपड़े का आता है, ये सारे के सारे आपका ब्रिटानिया के ही ग्रुप ऑफ कंपनी है। और जो कंप्लीट कंपनी का ग्रुप है वो है दी वाडिया ग्रुप। ये दी वाडिया ग्रुप अंडर 5-6 कंपनियां आती है, तो ये काफ़ी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनी है ब्रिटानिया। बहुत लोगों को नहीं जानकारी था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जो गो प्लेन पे चलते हैं ना, जो गो एयर है, वो गो एयर भी आपका ब्रिटानिया का ही है। ये आप जान लें कि गो एयर जो सब ये ब्रिटानिया ग्रुप की ही कंपनी है, द वाडिया ग्रुप की कंपनी है। तो कहाँ पे अप्लाई करना है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिंक की बात करें तो लिंक जॉब का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जॉब का जो लिंक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी फिलहाल जो जॉब का है। अभी इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में भी आपका दुबई और ओमान में चल रहे हैं। और अभी इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल पे आपका कहाँ कहाँ है वो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। जैसे रेवाड़ी का हो गया, एरिया सेल्स का गुवाहाटी का हो गया, प्रोडक्शन ऑफिसर रुद्रापुर का हो गया, एक्सपोर्ट्स ऑफिसर मुंद्रा हो गया, बैंगलोर का हो गया, रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हेड का रुद्रापुर में, फैक्ट्री एचआर मैनेजर हो गया, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव हैदराबाद का हो गया, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव रामनगर का हो गया, बैंगलोर का हो गया, और इसके साथ साथ और भी जगहों का है, आप देख सकते हैं। बैंगलोर का हो गया, जगादिया का हो गया, करनाल का हो गया, जयपुर का हो गया, यमुनानगर का हो गया, जगादिया का हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें आप अपना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस लिंक खोल सकते हैं। यहाँ पे गाजियाबाद, वाराणसी, गुड़गांव, एरिया सेल्स मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब कैटेगरी का आपका ब्रिटानिया में निकला हुआ है। तो आप चाहें तो इसको कैसे अप्लाई करना, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल गाजियाबाद को सेलेक्ट किया, तो व्यू डिटेल में जैसे ही मैं जाता हूँ तो ये क्या आपका पूरा का पूरा लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा कि प्रोडक्शन ऑफिसर ब्रेड का है। इसमें आपको क्या करने होंगे, कॉस्ट फैक्ट्री काम है, कॉस्ट का कंट्रोल मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें, ये इसमें FMCG का है, 3 से 40 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि अप्लाई करना है तो अप्लाई का लिंक मैंने आपको बोला कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ सबको अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करके आप अपना रिज्यूम वगैरह जो भी जिस तरह से मांग रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको बनाने होगा। उसके बाद आपको जब भी ब्रिटानिया में एज पर योर रिज्यूम रिक्वायरमेंट होगा तो आपको मेल चला जाएगा आपकी जानकारी। ये तरीके थे ब्रिटानिया कंपनी में जॉब पाने का, और ये परमानेंट आप उसको चेक कर सकते हैं कहाँ वैकेंसी है, कहाँ वैकेंसी नहीं है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं
फ्रेंड्स आपसे फिर से बोलना चाहूँगा कि जॉब जो है वो घर पे नहीं मिलती है, जॉब के लिए आपको घर को छोड़ना होगा, बाहर जाना होगा, जहाँ जहाँ कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको जाना होगा और मेरे चैनल को लाइक, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक भी करना होगा, बिकॉज तभी आपको सारे नोटिफिकेशन और जानकारी मिलेगी। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।